पवनदीप और अरुणिता हर रोज अपने फैंस को कोई ना कोई गुड न्यूज सुना रहे हैं। आज भी पवनदीप और अरुणिता एक नए अंदाज में नजर आए, जिन्होंने फैंस का दिल खुश कर दिया। पवनदीप का हाथ पकड़कर अरुणिता लाड़ प्यार करती दिखी और करवा चौथ के लिए जिद करती दिखी। ऐसा हम नहीं बल्कि फैंस इनका नया टीजर देखकर कह रहे हैं। मंजूर दिल का टीजर लॉन्च हो गया है और इस टीजर को लेकर फिर से इनके करवा चौथ की पूजा का मजाक उड़ाया जा रहा है। टीजर में आप देख सकते हैं कि अरुणिता रेड गाउन पहनी हुई है तो वहीं पवन ब्लैक कोट पैंट में हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतरते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे से दोनों की नजरें हटने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ फैंस का कहना है कि ये फोटो जरूर करवा चौथ से जुड़ी होगी। जरूर अरुणिता करवा चौथ पर अपने फैंस को गिफ्ट देने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा, ऐसे में करवा चौथ पर ही पवन अरु का ये गाना रिलीज होने की बात कही जा रही है। और जिस तरह से अरुणिता लाल ड्रेस में नजर आई, उससे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फोटो करवा चौथ से जुड़ी ही है। करवा चौथ पर इन दोनों को आप नए अंदाज में देख सकते हैं। वैसे आपको इनका ये नया टीजर कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप के फैंस के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज सामने आ रही है। पहली गुड न्यूज ये है कि 18 अक्टूबर को इनका हिमेश के साथ स्टूडियो में नया गाना रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है मूड विद मेलोडीज। इसके अलावा दूसरी गुड न्यूज ये है कि मजबूर दिल गाना, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ था, ये गाना भी 19 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है। ऐसे में एक साथ आप पवन के कई गानों का मजा उठाएंगे। कुछ फैंस ने तो अभी से कमेंट करना शुरू कर दिया है कि उनका ये गाना सुपर हिट जाने वाला है। 19 अक्टूबर की सुबह तो पवनदीप की जिंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि पहला गाना सुनने के बाद यकीन है कि पवन के लिए इंडस्ट्री में और भी दरवाजे खुल जाएंगे और उनके पास ऑफर्स की लाइन लग जाएगी और कहीं ना कहीं वो भी बड़े सिंगर्स की तरह अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या कुछ होने वाला है वो आप सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। पहले इस वक्त पवन को आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना पवन अधूरे हैं और पवन आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। इनके अलावा अरुणिता का हिमेश के स्टूडियो से पिया जी के संग गाना पहले ही रिलीज हो चुका है, जो कि हिट गया, और उम्मीद है कि आप सबको भी अरुणिता का ये सोलो सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा और आप सब भी अरुणिता को बधाई दिए बिना रह नहीं पाए होंगे। अरुणिता को सोलो सॉन्ग करते फैंस ने डिमांड की थी कि आखिर पवन कहाँ है और वो क्यों नहीं है आपके साथ। तो पवनदीप के भी एक नहीं बल्कि दो गाने रिलीज करने पड़े। हालांकि अभी रिलीज नहीं हुए, लेकिन रिलीज होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में आप अगर पवन के फैंस हैं तो इनके इस गाने को खूब सपोर्ट करें, इनकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। पवनदीप अरुणिता के रोमांटिक फोटोज का टीजर आ गया है। हालांकि अभी तक इनके गाने का नाम सामने नहीं आया, लेकिन फोटोज और अब टीजर ने ही फैंस को दीवाना बना दिया। अब सोचिए जरा, टीजर जब इतना रोमांटिक है तो गाना कितना रोमांटिक होगा। और गाना तो छोड़िए, पवन अरु की रोमांटिक एक्टिंग देखने के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कुछ फैंस तो इन्हें मैगजीन भी कर चुके हैं। टीजर आते ही कॉमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोग पवन को छेड़ने भी लगे हैं। दरअसल टीजर में आप देख सकते हैं कि पवन अरु को ब्लर फोटो में दिखाया गया है। अरुणिता खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई नजर आ रही है, तो वहीं पवन व्हाइट कोट पैंट पहने हुए हैं। पवन अरु दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बीच किनारे खड़े होकर एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं। दोनों को एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले देखा गया। चारों तरफ बस सुनहरी हवा है, जो इनकी केमिस्ट्री को और भी खूबसूरत बना रही है। इनके रोमांस को देखकर बादल भी खुश हो रहे हैं। बादलों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको सिर्फ एक दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि एक दिन बाद आप खुद अपनी आंखों से पवन अरु का रोमांस देखेंगे। तो आप इनके इस गाने को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल 8-10 दिन के लिए घर जरूर गई थी, लेकिन उनका ध्यान मुंबई में पवन के पास था। तो जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल ने अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड किया और कुछ दिन रुकने के बाद वो अब मुंबई अपने पवन के पास आ गई हैं। अरुणिता फैन क्लब से एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें वो कार में बैठकर आगे बैठे शख्स के साथ पोज दे रही हैं और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका भाई है। अरुणिता ने अपने भाई के साथ एक और फोटो शेयर की है और यहाँ आते ही पवन से मिलने स्टूडियो आ गई। यहाँ अरुणिता को काफी दिन बाद देखने के बाद स्टूडियो में उनका स्वागत किया गया। स्टूडियो में कई लोगों ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर की है। बताया जा रहा है कि कोलकाता में भी अरुणिता ने एक बंगाली गाना रिकॉर्ड करवाया है, जिसकी फोटोज भी अरुणिता ने शेयर की है। स्टूडियो की टीम ने अरुणिता के साथ फोटो शेयर किया। अरुणिता का इंटरव्यू भी लिया गया है।
देखा जाए तो अनुता वहाँ भी बैठी नहीं रही बल्कि किसी न किसी काम में लगी नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि मुंबई आने के बाद भी उन्होंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, वो फौरन स्टूडियो पहुंची और पवन को प्यार भरी नजरों से निहारती दिखी। जी हाँ, इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पवन रात में ऑक्टोपस के स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो अरुणिता शीशे में से उन्हें एक टक देख रही है। इस बीच अरुणिता के साथ दो लड़कियां और भी नजर आईं। अरुणिता पवन को देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो एक टक पवन को देखती ही रहती हैं। तभी एक शख्स ने उन्हें आवाज दी और वो चौंक जाती हैं। इससे पता चलता है कि वो पवन पर पूरा फोकस दे रही थी, उनकी यादों में पूरी तरह से खो चुकी हैं। तभी वो झटके से उठी और कैमरे के सामने क्यूट एक्सप्रेशन देने लगी। अरुणिता बहुत क्यूट लग रही और इस वक्त वो पवन के साथ पूरा फोकस अपने करियर पर दे रही हैं। अरुणिता के इस क्यूट नेचर पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों की जोड़ी वाकई में कमाल की है। मुंबई में लाइव वर्चुअल इवेंट में पवनदीप परफॉर्म करने पहुंचे। यहां मंच पर पवन पहुंचे और फैंस ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हर तरफ पवन पवन नाम सुनाई देने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि पवन के साथ जब लोगों ने अरुणिता की रट लगानी शुरू कर दी तो पवनदीप भी शॉक रह गए और घबराए पवनदीप कुछ देर रुक गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग पवन को देखकर अरुणिता का नाम क्यों ले रहे हैं जबकि अरुणिता तो वहां पर मौजूद ही नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद पवनदीप ने माहौल को संभाला और अपने गानों से महफिल में चार चांद लगा दिए। पवन की आवाज सुनते ही लोग उनके गाने में मग्न हो गए। पवनदीप ने एक से एक जबरदस्त गाने गाए। अब भले ही यहाँ पवनदीप अकेले पहुंचे हो लेकिन लोगों ने अरुणिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जी हाँ, अरुणिता के ना होते हुए भी अरुणिता के नारे लगाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। वीडियो में खूब कमेंट मिल रहे हैं। फैंस बस यही कहते दिख रहे कि अगर अरुणिता भी होती तो इस खुशी का मजा दोगुना हो जाता। अरुणिता को लोग मिस करते दिखे। पवनदीप भी अरुणिता की याद में कुछ इस तरह भटक गए कि वो गाना गाते वक्त नर्वस दिखाई दिए। पवन ने मंच के बाद टीम के साथ फोटो शूट करवाया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। पवनदीप का ये मुंबई में इवेंट धमाकेदार रहा लेकिन शायद अरुणिता के बिना कुछ फीका भी रहा। वहीं अरुणिता भी कोलकाता से जल्दी वापस आने वाली हैं और फिर आप सब इन दोनों को एक साथ देखने वाले हैं। पवनदीप राजन का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें पवनदीप एक बड़े स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाते दिखे। जी हाँ, यश राज के स्टूडियो में कुछ दिन पहले पवनदीप अरुणिता गए थे और अब इनका यश राज के स्टूडियो से गाना रिकॉर्ड करवाते वीडियो भी वायरल हो रहा है। पवनदीप स्टूडियो में पागल दीवाने होकर गाना गा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके सामने अरुणिता कांचीलाल बैठी हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। पवन अरुणिता को इशारा कर करके गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं।